नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार इक्कीस एडवांस के एग्जाम का क्वेश्चन है इट्स इज वन एंड ऑफ अ हॉरिजोंटल यूनिफॉर्म भीम यूनिफॉर्म भीम ऑफ वेट डब्ल्यू एंड लेंथ एल इज हिंजड ऑन अ वर्टिकल वॉल एट पॉइंट ओ इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बायट इन एक्सटेंसिबल रोप द अदर एंड ऑफ द रोप इज फिक्स एट पॉइंट क्यू एट अट एल अबोव द हिंज एट अ पॉइंट ओ ब्लॉक ऑफ वेट ए डब्ल्यू alpha w is attached to the point p of the beam as shown in the figure not to scale the rope can sustain a maximum tension of 2 root 2 w which of the following statement is or are correct First uh, uh, option is: now vertical component of the reaction force at o does not depend on alpha second option says horizontal component of the reaction force at o is equ uh, equal to w for alpha equal to 0.5 टेंशन इन द रोप इज 2w डब्ल्यू फॉर एल्फा इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव रोप ब्रेक्स इफ़ एल्फा इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव या फिर थ्री बाय टू ना ये है कि ये आपकी रॉड uh, यहाँ पे ऐसे रखी हुई है हमने और ये रस्सी हमने लटका रस्सी यहाँ बांध के उसके ऊपर वेट लटकाया हुआ है इसकी लेंथ ऐल है ले, इसकी लेंथ ऐल है एल पॉइंट यहाँ पे है एल ये है दैट तो मींस ये वाला एंगल थीटा अपना 45 डिग्री हो गया ठीक है ये 45 डिग्री का एंगल होएगा ना इसका अगर हम अच्छा ये अपना जनरल इक्विलिब्रियम का केस है आरबीडी का जिसमें हम कहेंगे कि सिग्मा एफ नेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो नेट फोर्स आपका जीरो होगा बोथ इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन एंड सिग्मा टाउ नेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो बिकॉज यहाँ पे आपका कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है तो ये दोनों इक्वेशन हम यूज़ करेंगे ना इसका अगर हम एफ बी डी ड्रॉ करें एक ही एफ बी डी बनाते हैं सो ये आपका रॉड रॉड पे एक फोर्स तो यहाँ पे इसका सबसे पहले एम आएगा लेट्स कॉल दिस आपका एम जी डब्ल्यू है यहाँ पे आपने एक मास लटकाया हुआ है जो कि अल्फा डब्ल्यू है और सिनेरियो के हिसाब से अल्फा कैन बी पॉइंट फाइव या फिर वन पॉइंट फाइव सो इट कैन हैव वेरियस वैल्यूज और यहाँ पे आपका हिंज फोर्स आएगा तो हिंज फोर्स लेट्स इसको हम कहते हैं कि यह आपका हिंज फोर्स है वाई डायरेक्शन में लेट्स कॉल दिस एन नॉर्मल फोर्स है और इस डायरेक्शन में यहाँ पे आपका एक फ़ोर्स आएगा लेट्स कॉल दिस एन एक्स है ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में और आपकी टेंशन यहाँ पे आपके 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे अप्लाई हो रही है सो ये आपकी टेंशन टी टेंशन टी के अगर हम कंपोनेंट लेंगे सो क्योंकि ये एंगल हमने थीटा कहा है सो ये वाला फोर्स आपका हो जाएगा टी साइन थीटा थीटा इज एंगल फोर्टी फाइव है और इस डायरेक्शन में आपका फ़ोर्स आ जाएगा जिसको हम कह सकते हैं टी कॉस थीटा ना इस केस में अगर हम आ, सिग्मा एफ नेट ज़ीरो लिखें पहले एक्स डायरेक्शन में सो हम कह रहे हैं सिग्मा एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो आपके एक्स डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं एनएक्स और टी कॉस सीटा यानी कि आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी एन एक्स विल बी इक्वल टू टी कॉस सीटा कॉस फोर्टी फाइव यानी कि इसको टी बाय रूट टू लिख सकते हैं लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन ना अब यही सिगमा एफिनट हम वाई डायरेक्शन में जीरो करेंगे तो सिग्मा नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं तो ऊपर की तरफ आपके दो फोर्सेज लगे एन वाई प्लस टी साइन थीटा यानी कि टी बाय रूट टू विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया आपका डब्ल्यू प्लस एल्फा डब्ल्यू अगर हम टी को उस तरफ ले जाए सो वी कैन राइट एन वाई विल बी इक्वल टू इसमें से डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं वन प्लस एल्फा माइनस टी बाय टू लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर टू ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई नाव अब इसके बाद हम यहाँ पे तीन पॉइंट हो गए जैसे ओ हो गया ई वाला आपका पॉइंट ओ हो गया इसको बी कह देते हैं पॉइंट और लेट्स ई वाला पॉइंट आपका पी था इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉक लिख सकते हैं सो so, नाओ इसमें हम टॉक लिखेंगे पी के अबाउट तो यहाँ पर हम कहेंगे सिगमा टाउ नेट अबाउट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज उस केस में जब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट टॉक देख रहे हैं तो आपका टेंशन के अबाउट टेंशन का टॉर्क और अल्फा ओमेगा का टेंशन सॉरी टॉक जीरो हो जाएगा उसके हमें बिकॉज आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके टॉक की हमें चिंता नहीं करनी है ना उस केस में अगर हम टॉक लिखेंगे तो एन वाई जो है एन वाई का टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे आएगा और ये जो uh, W है उसका टॉर्क आपका इस डायरेक्शन में आएगा अबाउट O एंड दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे शुड बी इक्वल बिकॉज आपका जनरल इक्विलिब्रियम है सो एन वाई का टॉर्क होएगा उसको हम लिखेंगे एन वाई एल दैट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय टू सो नाउ दिस एम्प्लॉज अगर हम एल कैंसिल कर दें तो आपका एन वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर थ्री नाउ बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हम कह सकते हैं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा यानी कि ऑप्शन आपका सही हो गया कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा बिकॉज एन वाई डब्ल्यू बाई टू आ गया आपका ठीक है सो so ये आपकी इक्वेशन हो गई नाउ अब अगर यहाँ पे सेकेंड uh, है आपका हमें बताना है हॉर्जोंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स तो अगर हम यहाँ पे जो एन वाई की वैल्यू आई है उसको यहाँ रिप्लेस कर दें सो so इसको यह, अगर हम ये कहें कि यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं एन वाई की वैल्यू अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू इसको uh, एक काम करते हैं टी बाय रूट टू को इधर ले आते हैं और डब्ल्यू uh, टू को इधर ले आते हैं सो दैट मीन्स टी बाय रूट टू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस एल्फा और माइनस डब्ल्यू बाई टू तो हम एन वाई डर लेके आए तो वो माइनस डब्ल्यू बाई टू है तो इसमें जरा कैंसिल करेंगे यानी कि टी डिवाइडेड बाय रूट टू इज इक्वल टू ये आपका आ गया इसमें से डब्ल्यू हमने कॉमन लिया हाफ वन डलेंगे तो ये बचा आपका वन बाय टू प्लस एल्फा नहीं नाउ सेकेंड uh, अच्छा इससे आपकी ये लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फोर सेकेंड ऑप्शन में हमें हॉर्जोंटल कंपोनेंट यूज़ करना है तो नाव इस इक्वेशन फोर को अगर हम uh, अपनी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन थी ना फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो एन एक्स विल बी इक्वल टू टी बाय रूट टू और उसकी वैल्यू हो गई ये टी बाय रूट टू है यानी कि दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वन बाय टू प्लस एल्फा ना सेकेंड इक्वेशन से इज एल्फा इक्वल टू हाफ तो अगर हमने एल्फा की वैल्यू हाफ रख दी तो आपका एन एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू हाफ प्लस हाफ दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन जब अल्फा हाफ है विल बी इक्वल टू डब्ल्यू दैट मीन्स ऑप्शन बी भी आपका सही हो गया ना थर्ड ऑप्शन से टेंशन इन द रूप इज टू डब्ल्यू फॉर एल्फा इक्वल टू पॉइंट फाइव ना इसी uh, सी पार्ट को एवेल्यूट करने के लिए हम इक्वेशन uh, यूज कर लेते हैं अपनी लेट सेकेंड या नहीं अपनी कौन सी फोर्थ इक्वेशन सो हम लिख सकते हैं टी विल बी इक्वल टू रूट टू डब्ल्यू वन बाय टू प्लस एल्फा एल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ फिर वन बाय टू रख देंगे सो दिस विल बिकम रूट टू डब्ल्यू सो विच इज विच मीन्स ऑप्शन सी आपका सही नहीं है बिकॉज ये टू डब्ल्यू uh, कह रहा है बट अपना ऑप्शन आया है टेंशन की वैल्यू रूट टू डब्ल्यू होगी सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन डी से रोप ब्रेक सिफ एल्फा इज ग्रेटर देन वन बाय टू विच मीन्स अगर हम फिर यहाँ पे इक्वेशन uh, अपनी ये यूज़ करें फोर्थ uh, इक्वेशन सो ऑप्शन डी को इवेलुएट करने के लिए यहाँ कर लेते हैं ऑप्शन डी को इवैल्यूएट करने के लिए हम कह रहे हैं टी मैक्सिमम। मैक्सिमम की वैल्यू जो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू रूट टू अगर हम ले जाएं, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट टू डब्ल्यू वन बाय टू प्लस एल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम कह रहे हैं थ्री बाय टू सो दैट विल बी इक्वल टू ये हो गया आपका रूट टू डब्ल्यू Uh, और ये रूट थ्री रूट थ्री बाई टू प्लस टू ये आपका टू हो जाएगा सो टेंशन मैक्सिमम जो है दैट विल बी इक्वल टू टू रूट टू डब्ल्यू सो विच इज़ द मैक्सिमम टेंशन दैट आर रोप कैन सपोर्ट सो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया सो दैट मीन्स इस सवाल के आपके सही आंसर हो जाएंगे ए बी एंड डी पार्ट ये आपके करेक्ट ऑप्शन uh, हो जाएंगे